जय गुरुदेव नाम किसका। हो जरी पिया को निज घट में जरी पिया को निज घट में जो तुम पिया से मिलना चाहो तो मत भटको जग में जरी पिया को निज घट में तीरथ भरत करम आचारा यह अटका में मधु में जरी पिया को निज घट में जब लगे संत मिले नहीं पूरे पड़े रहोगे अघ में पिया को निज घट में नाम तो दार से कभी न पाओ भटको योनी ठग में हो यरी पिया को निज घट में पंडित काजी देख से कदम अटक रहे डग डग में जरी पिया को निज घट में यह तो भूले विषय बात में भर में दसे इनकी रग रग में जरी पिया को निज घट में संग पिया नहीं मिलना पिया मिले कहूँ दाद तमग में हो जरी पिया को निज घट में सतगुरु पूरे बहुत में जावे वो तो कहे अलग में खोजरी पिया को निज
घाट में कोजरी पिया को निज घाट में बच्चे यह मनोशरीर मोलक इसकी कोई कीमत नहीं और जहां तुमने जन्म लिया है ये देश काल का है, आपका देश नहीं है। जिसमें बैठे हो आप मनोशरीर में आप करें ये भी काल का है। जो चीजें आपको शरीर रक्षा के लिए दी गई है ये भी आपकी नहीं, ये भी काल की। जो बच्चे आपको दिए गए हैं बच्चे बच्ची के रूप में ये भी आपके नहीं, ये काल के। जो संबंध कराया गया एक दूसरे का ये आपका नहीं, ये भी काल का। आप यहां के हो ही नहीं और आपके लिए परदेश है, तो परदेश में कोई भी राजा से लेकर रैया तक दुखी नहीं रहेगा, यहां सबको दुख मिलेगा। और आप ऐसे देश के हो जहां कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई विषोह नहीं, कोई मरता नहीं, कोई जन्म नहीं लेता है, न कोई अशांति है। और वह तभी है कि शांति का और अमृत का सागर प्रकाश प्रकाश रहा था भंडार, ऐसे देश के आप रहने वाले। और परदेश में आप दान में दिए गए तो काल ने अपनी मालिक की सेवा करके लिया लिया और मालिक ने कहा तुम जो मांगोगे हम दे देंगे, तो आपको मांगा और ये सब सामान मांग लिया। ये सब सामान चाहिए और हमको चाहिए, तो मालिक ने कहा अच्छा हम तुमको देंगे। अब आपको एक एक बड़ा घड़ा का भंडार सबको पकड़ा दिया और कहा तुमको बताला हमने, तुमको यहाँ आने के पहले ही हमने दे दिया और बाद में तुमको उतारा, तो तुम अपने मसाले को मिलाना और इनको बैठा के अपना राज करो। तो आप दान में दिए गए हो, आप मालिक अलग और काल अलग, और दान में दिया गया तो आपको ले आए और ले आकर के फिर उसने अपनी तरकीब से आपको इसमें बंद किया। जब यहाँ कर्म विधान यहाँ कुछ भी नहीं था, कोई पाप लज्जा बुरा न्याय अन्याय, तो उस समय पर कोई मैल नहीं था। जब कोई कर्म विधान था ही नहीं तो मैल तो जमा हो गई नहीं, तो उस समय पर हम सभी लोग परदेश में आकर के सतयुग सब योगी विज्ञानी, उस सत के समय में सब योगी सब नरनारी और आंख खुली थी कान खुले थे नाचका और नाम को पकड़ के चढ़ गए अपने देश में और काल के देश को देखा, काल के सामान को देखा, काल ने जो दिया उसको देखा, जो बरतने के लिए दिया उसको देखा। अब ये देखा कि यहाँ तो सुख नहीं है, यहाँ कोई रस नहीं है, अपने देश में सुख है, शांति है, आनंद है और शक्ति है, ज्ञान और प्रकाश का था सागर, वहां का यहाँ उसकी कोई तुलना नहीं। तो मालिक ने कहा था कि तुम हमारे निज नाम से जा रहे हो तो इसको छोड़ना नहीं, तो सबके सब जितने जा रहे हो दान में हमने सबको सबको वापस ले लेंगे। आप वहां से आए तो जो जातियों के जाने वाले तो चले गए, लेकिन जब विधान बनाया और आपको उसने समय दे दिया कि आप चेत जाओ जाग जाओ, हमारा विधान बन गया पाप उनका अच्छे बने का, जो भी करेगा आप
उसमें पाप का पुण्य का फल जमा होगा। जब जमा हो जाएगा तो हम उसका हिसाब करेंगे, हम फल देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात आपके साथ आपके धोखे लालच के बस ऐसा हो गया कि चक्रवर्ती राजा बना देंगे, सारे देश का धनी मानी बना देंगे, आधे देश का धन दे देंगे। ये सब लोभ लालच में सुनते 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 और लोभ लालच में बस गए और इसको मांगने लगे कि दे दीजिए। तो उसने दिया, राज भी चक्रवर्ती दिया, धन भी दिया और आधा भी दिया और पूरा भी दिया और उससे कम भी दिया। उसने धीरे 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 लेकर गए और नाम से आप धीरे धीरे छूट गए, छोड़ दिया, जो नाम पकड़े थे उसको छोड़ दिया। बस जैसे ही इसमें फंसे, आधार आने जाने का टूट गया ना, अब मेरे देश का रास्ता बंद हो गया, अब जाना मुश्किल है। क्यों? कि यहाँ कर्म करोगे और वो उसका फल देगा तो हमको सजा देगा, तो हमको योनि देगा, दूसरी योनि में बंद करेगा, अपना कर्जा वसूल करेगा। तो ये है, मकान आपका नहीं है, ये काल का किराए का मकान है और दे देगा। तुमसे ये कहा कि हम तुमको रोकेंगे नहीं, दोनों आंखों के पीछे जीवात्मा बैठी है, उस जीवात्मा ने कहा कि एक कान एक नाक और दो आंख दो कान दो नाक शरीर में, तो तुम अपनी जीवात्मा को आप जगा लो और नाव को पकड़ के चढ़ जाओ, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन हमारा कोई भी मतलब ये कर्म तुम पर दृढ़ निकलेगा तो हम तुमको रोक लेंगे। तो ये हो गया। अब आप उस कर्म कर्जे को करते हो, उसका ऋण ला दिया, वो मांगता है आपको दे दो तो आपसे वसूल करेगा, उधर नहीं जाने देगा। तो मकान लाभ का नहीं उसका, इसलिए उसके मकान में जीवात्मा को कोई चय नहीं, कोई सुख नहीं बचा, कोई आराम नहीं, किसी को सब रो रहा है। अब ये कहा कि भाई तुम भजन कर लो तो तुम्हारा ये संकट कट जाए, तो तुम उस तरफ ध्यान नहीं देते, तुम्हारी इच्छा ही नहीं भजन कर सके। बस दीदी की इच्छा है कि हमारे पास सब खत्म हो गया और हमको फिर मिल जाए, इसकी मेहनत कर रहे हो और उसकी मेहनत नहीं करते हो। जो अपना संपूर्ण धन मिल जाए और अपने महासागर में चले जाओ सदा के लिए, सुखी हो जाए, वही करोगे। तब तक आ गया समय तो न बच्चे को छोड़ने वाला, न बच्ची को, न वो जवान को, न स्त्री को, और न बूढ़े को छोड़ने वाला और न देवी को, वो समय और निकाल बाहर। शरीर आपका ये पड़ा, सामान ये पड़ा, ये सामान जो जमा किया है आपने 50 साल 60 साल तक, ये सब ये पड़ा, तुम्हारा शरीर जिसने किया हो ये पड़ा। अब ये दोनों मिट्टी है, सामान भी मिट्टी और शरीर भी मिट्टी। अब इसके साथ वो नहीं जा सकता, ना उसके साथ तुम जा, तो सबसे नाता टूट गया। और जितने तुमने दोस्त मित्र यार माँ बाप बनाए थे वो भी जड़, उससे भी नाता टूट गया, वो भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते कि तुम कौन हो, कहाँ से आए और कहा गए, उनको क्या मतलब। उनको तो मतलब अपने स्वार्थ का है, यह सिद्ध कि हमारा स्वार्थ ही असिद्ध हो और काम में आए हमारे और बाधा पहुंचाई उनके द्वार में, लड़ाई झगड़ा बस ये रहा। और तो तुमने क्या किया, बेकार किया, इतनी सुनते ही नहीं रहे, मेहनत करते रहे, धन दौलत जोड़ते रहे और खाली सर ये पढ़ा है, अब इसको ले जा करके गाड़ो या जला दो, वही आपकी अंतिम सीमा है, इसके आगे कुछ नहीं, आखिरी है। यानी जिस मकान को दिया था उसको लेकर के फोड़ दिया और गड़वा दिया और जलवा दिया, बात खत्म हो गई। अब तुम रोते हो अज्ञान में कि बच्चा आ जाए, हमारा पति आ जाए, अब कहाँ मिलने जुलने वाला, तो तुम्हारे सामने ही तुमने फोड़वा दिया,
जलवा दिया, गड़वा दिया, उसको नाश करा दिया और फिर उसी के लिए रोते हो, तो कितना बड़ा अंधा अज्ञान है कि फिर रोते हो जब आपने जलवा गड़वा दिया तो अब क्या करो, सब काम तो उसमें करवा दिए, अगर रो रहे कि तू आ जा तू आ जा तू आ जा, तो ये आपके ऊपर बोझा लगा। अगर बोझा हल्का होता तो आप ये काम ना करते, तो हमें निकलने की तैयारी करते कि चलो जल्दी से निकल चले काल के दिन से, वो ठीक है समझते। तो इसलिए अब आपको रास्ता मिल रहा तो अपना सौभाग्य समझो कि हमारी बड़ी खुशकिस्मत है कि हमको रास्ता में लाभ भजन कर सकता, वेद में लाभ भजन कर सकता, युक्ति में लही भजन कर सकेगी, नाम में लाभ भजन करने का, रूप में ला ध्यान के लिए, स्थान में ला पर पहुंचने के लिए, आवाज में नई डोरी उसको पकड़ के चढ़ने के लिए, तो सब कुछ तो मिल रहा, फिर अब करने में क्या करो, फिर क्यों मकते हो नकारते हो, नकारोगे तो दशा ये होगी और फिर मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। भजन करने के लिए मिला है, दिन में काम करो तो हमको आओ, ईमानदारी मेहनत तो सब जगह जरूरी है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, चाहे दुकान हो चाहे खेती हो चाहे दफ्तर हो, ईमानदारी मेहनत काम किया शाम को बच्चों की ईमानदारी मेहनत से दिमाग और ईमानदारी मेहनत से भजन करो तो तुमको दोनों तरफ की बरकत मिल जाए, इधर के लिए भी खुश हो जाए और उधर के ले जाने के लिए भी खुश हो जाए, दोनों तरफ के लिए खुश हो जाएगा तो न इधर कुछ न उधर कुछ, और जुआ पसार झूठा धोखे का अज्ञान अंधेरा उसका पसारा कर रहे हो, तो कब तक इस पर रहेगा, इधर चंद दिन का है फिर अंधेरी रात, इसलिए नर नारी बच्चे बच्चियों बहुत सीधा रास्ता है, बहुत सुलभ है, बहुत सहज है, कोई शारीरिक कष्ट नहीं, सिर्फ स्रोत को जुड़ना है चैतन्यता के साथ, आसानी से जुड़ जाएगी, बस घेरा घारी जो कुछ भी आपको करना है मन कि उधर ना जाए उधर ना जाए और यहाँ थोड़ा सा लग जाए या साथ दे दे तब तो मतलब ये है कि मिल जाए, तब इसका जब रस मिलेगा आनंद मिलेगा तो मन फिर चुप हो जाएगा और कानों का साथ देगा ना आँखा देगा आँखा देगा तो आँख खुल जाएगी इसके साथ देने पर और कान खुल जाएगा तो सुनने लगोगे देखने लगोगे तो देखते हुए चलो पास देखते चलो चलते चलो ऐसा होता है। तभी महात्मा कहते हैं चलो तुम देखते चलो दिखाते चलेंगे और चलाते चलेंगे तो ले चलते, अगर उसको दिखाए ना और वो जो उसने देखा उसको बताए ना तो उसे क्या समझ पड़े, बताते भी दिखाते भी है उसका रूप भी उसका नाम भी उसका रास्ता सब कुछ उसको बताते देखो ये है और चलो चलो। तो जब उसके साथ मदद हो रही है दया कर रहे कृपा कर रहे तो चला जाना चाहिए सर, अब आप बड़े ध्यान से तुम बोलो आज मेरे आनंद हो तया पार आरती गावत हूँ गुरु सार। जिस सूरत में मनुष्य शरीर में गुरु पाए और उनकी कृपा लेकर के भाषण यानी भजन किया नाम की कमाई की और जब नाम बड़ी मिली तो प्रकाश हो गया उजाला हो गया लाइट रोशनी हो गई रोशनी में दिखाई देने लगा रास्ता भी दिखाई देता है और जो रचना वो भी दिखाई देती जैसे जैसे लोग हैं वो सब दिखाई देते वहां कौन सा किसका शरीर है तो यहाँ स्थूल शरीर है और वहां लिंग शरीर है सब दिखाई देता है।
जैसे दुनिया के जो संताकरण और मन बुद्धि और चित्त, ये यानी 17 तत्वों का ये शरीर, ये वहां दिखाई देता, ये सब आगे दिखाते जाते हैं, चढ़ाते जाते। और जब तक मणि नहीं प्रकट होगी तब तक उजाला नहीं होगा। तो नाम के, राम के नाम की मणि, ब्रह्म के नाम की मणि, पार ब्रह्म के नाम की मणि अपने अपने देश में उदय हो जाए, प्रकट हो जाए, तो तब जानकारी होती है, उजाला हो जाएगा, तो ले चलेंगे, देखते चलेंगे, तब खुशी होती है, साथ होता है, जब भी पहुंच सकते, जब यहां तक चल पड़े तो आगे भी जा सकते। गुरु महाराज समर्थ है, ले चले, फिर ये होता है, चलते चलो, फिर देखोगे जब मुकाम पर तो कहेंगे ये रूप बताया था, ये नाम बताया था, ये आवाज बताई थी और ये अवतार बताया, और देखो उसका नाम, अब सुनो ये उच्चारण हो रहा, नाम जो उच्चारण हो रहा उसके नाम का, वो कह रहे देखो बोल रहा, अब वो सुनेगा, सब लिखाते चलेंगे, दिखाते चलेंगे, आगे चलेंगे, चलते चलेंगे, दिखाते चलो तो, और तुम मचल जाओ और पीछे मुड़ जाओ, और जब उधर गए तब तक तुम सो गए, तब तुमने बुला दिया, कैसे जाओ, जगाने वाले के साथ तो सोने नहीं पाओगे, फिर लग जाओगे और बोला, साथ हो जाएगी, हिम्मत हो जाएगी और इच्छा जाग जाएगी, सब काम हो जाए। बोलो किया माए अचरज प्रेम सिंगार, विराजे सतगुरु बस्तर धार। अब कहते हैं कि मैंने गुरु से प्रेम किया और अति प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उनके बगैर रह नहीं सकते, और जब मैंने वो प्रेम किया तो हमारे बिना गुरु नहीं रह सकते, और मैंने उनके प्रेम का श्रृंगार किया और कहा आओ सखियो, सिंह जमा संतोष ब्रह विवेक, ये 5 तुरंत की सखिया जो हर जगह मदद करेगी, और काम क्रोध लोभ और मोह और अहंकार इन पर मार पड़ गई, तो ये मूर्छित हो गए, जब ये मूर्छित हो जाएंगे तो सखियों को सहयोग दे करने में आनंद, और इनको भी तुरंत को भी आनंद, तो बड़ा अपार आनंद गुरु से, और गुरु लिए जा रहे हैं। अब प्रेम का ऐसा अटूट नाता कि छोड़ जो सकते, ऐसा नाता छोड़ा, और आप लापरवाही करते हो उससे तो कोई प्रेम करते नहीं, तो फिर जब बुलाएगा तो कैसे जाओगे, तो कहेगा आओ चले आओ चले आओ चले आओ, नदी के ऊपर रहेगा तो मिल पा रहा हूँ, अरे भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये नौका इस पर बैठ के चले आओ, हम यहाँ मिल जाएंगे, तो कैसे जानोगे आप तो वहीं रह गए, जाना नदी के पार, उधर आवाज दे रहा कि आओ, और वो प्रेम उधर से बुला रहा, और तुम कैसे लौट गए पीछे, तो तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ, ये जो बात करते थे धोखा देने, कि हम प्रेम करते हैं, प्रेमी जो है प्रेम इसके साथ में अपने नजर कैसे रह सकता, रात दिन चिल्लाएगा मिलने के लिए, तो एक दिन भी क्योंकि तुम एक भूत भी आंसू दिख रहा है, और सरदारी इतने जरूर रहे कि ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, यहाँ तो प्रेम है नहीं, यहाँ तो चढ़े गए, फिर उसके बाद सूख गया। तो सौरभ कहती है कि भाई मैंने प्रेम गुरु से किया, और तो उसका श्रृंगार सजावट की है, और गुरु कहते हैं हमारे हृदय,
उनको एक मिनट निकल तो उतार कर बैठ गए। करूं समार समार गाऊं गुना के जो नदी के उस पार है दर्शन करता हूँ समार करता हूँ, ऐसे नहीं हो उसको दर्शन करता और वो आवाज दे रहे तो ये चकवी वो चकवा रात हुई तो अलग अलग हो गए। अब उसके लिए तड़प रहे चकवा चकी वो और वो उसके लिए लेकिन नदी के एक पार एक उस पार तुरंत इस पार है महासागर में और वो पार महासागर में और उठे रहे आवाज लगाती उठे रहे। अब वो ट्रेने और तुम कुछ ना सुनो कहता प्रेम भाई जब जी इतना प्रेम करता कि रात भर रट लगाए रहता कि कब दिन आ जाए और मिल जाए रात में बिछो हो गया। ऐसे ही कर्मों ने हमारे हमको बिछो कर दिया कि मालिक उस प्रेम से उस नाम से अलग कर दिया और अब हम रो रहे तो उसके बुलाने के लिए तो प्रेम चाहिए। तो जिसने भेज बताया वो आपको भोपाल ले जाएगा नाम से जोड़ कर ले। तो तुरंत कहती है भाई मैंने तो उसे प्रेम किया और मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ मैंने उनका दिला दिया सजा लिया। आओरी सखियों जुड़ मिल जार गाओ और दर्शन करो। अब वो सी जमा संतोष ग्रह विवेक ये संज्ञा गाओ वो टेरा और आओ चलो था ताकि उसका दर्शन होता टेरा दर्शन कर लेंगे उस पार आवाज तो तुम भी आओ और चलो साथ तो तुरंत भी और ये सब साथ जाएंगे वहाँ दर्शन होगा तब कितना मिलना और कितना चिपकना और कितना गले जाना छोटी बात है। माँ बच्चे को जब छोड़ दे और जब वो मिलती है तो कितना मतलब है एकदम चिपक करके रोता तब इधर समझाती है कि तू तो आ तो गया तो चिपक के रोएगी कि हम इतने दिन से यहाँ पे छुड़े रहे पता नहीं रहा और मिले नहीं और इतने दिन के बाद अब मिले तो खूब भर के रोएगी तड़पेगी तो मालिक उसको प्यार कर लेगा प्यार में डुबा लेगा और उसके शोक को खत्म करेगा। बोलो गुरु मेरे बैठे पलंग सवार आज मेरा जागा भाई। गुरु जो है बैठे हुए हैं एक पलंग बहुत सुंदर सुंदर और मरियों से जड़ा चमकदार कहते किस तरह से बैठे हो कैसी अपार वहां कहीं नाम निशान भी नहीं है अंधेरे का और मतलब ये कि आनंद दिया। तो गुरु हमारे पलंग पर यदि चौकी उसका विराजमान है और चौकी पर कैसी मणि जड़ी है वो देखने के लिए तुम्हारा चलो आओ दर्शन भी करो चलो चलो उतरे पास बोलो रही माए गुरु के सन्मुख थार करू माए उन चरण कहते मैं गुरु के सर्वंग से साथ रही उनका दर्शन करता हूँ सब को छोड़कर कोई कुछ नहीं सब को छोड़ करके उनका समार के दर्शन करता और अपना भाग मानता हूँ कि कितने युगों कल्पों के बाद में ये अवसर मिला कृपा हो गई दया हो गई। अब वो जो प्राप्त कर रही जो गुरु की दया उसको मिल रही है और जिस तरह से बुला रहे उस तरह से वर्णन कर रही यही तरीका कहने का बताने का यही है वो टेर रहे और हमने उनसे प्रेम किया पूरा कोई किसी अंग से कमी नहीं।
दरबार, और कोई हमको अब धोखा नहीं दे सकता। बोलो। चाहूं नहीं दूसर से उपकार, गुरु की बाधी। अब तुरंत कहती है आप, मैं किसी से भी उपकार नहीं चाहता। कोई आके खड़ा हो जाए कि मैं खुदा हूँ, खुदा का भी खुदा हूँ, और उसका भी करे उसका भी खुदा हूँ, तो कहते मैं उनसे भी नहीं कहता। मुझे तो जो यहाँ मिल गए और जिन्होंने हमको उठा करके उस बार दिया, वह उनके सिवा और कोई नहीं। किसी से भी नहीं चाहते तो मेरा उपकार कर सकते। एक गुरु का शिष्य, उसने एक मौलवी को समझाया और सिर पकड़ करके उसने झुकाया, ये खुदाओं का भी खुदा है, ये कि जो बेटा है खुदा का भी खुदा, और जमीन पर उसको हजार दिया, और पहचान लो जो पहचानना हो। तो उसने जा करके गुरु महाराज से शिकायत की कि आपका जो सिर था उसने ऐसी मतलब बेअदब हरकत की, बेवाजिब हरकत की है। तो उन्होंने कहा अच्छा हम समझा देंगे। जब उससे आया तो कह लगे काबा बड़ा है, तो कह दो काबा मान लो तो बड़ा, जाओ तुम काबे का दर्शन कर जाओ और कहो कि ठीक है खुदा है, यही खुदा है और कहीं नहीं है, यही बैठा। तो जो आदेश हुआ उसका उससे पालन हो गया। बैठा तुम समुद्र के किनारे नाव में बैठ गया और तुम भी बैठा था, वो भी जा रहा था खुदा का दीदार। एक ही नाव में बैठे हुए थे तो लहरें आई और नाव डिगुराई और नाव फट गई, फट गई नाव। तो इसको आवाज मिली कि देखो तुम हमारा सहारा ले लो तो मैं तुमको निकाल लूंगा। उनका मुझे आपके सामने चलना, उसमें से एक हाथ निकला कि मैं गुरु हूं और मुझको तुम पकड़ लो तो मैं तुमको बचा लूंगा। कह लगे कि मैं नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता, मैं तो अपने गुरु को जानता हूं। ना हाथ नीचे हुआ, फिर कहा कि नहीं मैं तुम्हारे गुरु का भी गुरु हूं, तुम अपना हाथ दे दो मैं तुमको बचा लूंगा। अब लहरों में जब वो लगा रहा एक तख्ते में बैठा है कि नहीं हम खुदाओं का भी खुदा, हम तुमको इस दिन आए लेने के लिए कि तुम अपना हाथ पकड़ाओ, हम तुमको ले जाके आपको ले जाएंगे। हम वो हम अपने गुरु से, कोई हमारे सब कुछ। इतना पक्का वो सेवक और इसी को रही। तो आप आकर के प्रकट हुए और हाथ दिया और कहा चलो तेरी ये तपस्या सिद्ध हुई। तो कहने का मतलब है कि कहते हम किसी से उपकार नहीं चाहते, हम तो जो हमको मिले लिए चल रहे वही करेंगे। उन्होंने तो हमारी आँख खोली तो हमको दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा, हम कैसे उनको मतलब ये। और जब घर पहुंचाने की बात है तो कह रहे घर पहुंच चलेगा, चल तू चलता चल, तो हमको और से कुछ नहीं चाहिए। बस मतलब यह है कि उसमें गुरु की कृपा हो गई, मालिक को प्राप्त किया, नौसागर से पार चला, सब संकटों से जलन मरण से सबसे छुटकारा सदा के लिए पा गया। अब न जलेगा न मरेगा। तो कहने का वो कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं किसी से चाहिए, मैं तो जो उस पार उन्होंने ठेल लगाई और उन्होंने यहाँ जा करके खड़ा किया, मैं उन्हीं के साथ वही हमारा जो कुछ करेंगे करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इतनी दृढ़ता इतनी मजबूती प्रेमी में होना, ये शरीर और इसमें बैठा हुआ मन, उसको सबको निशावर कर दिया, दे दिया उसको। और जो गुरु ने वचन सुनाए उस पर हम रखा पक्का, उसमें कोई हिलना डुलना नहीं है, उसका होशियार हूं। वही कितना भी कहे कुछ मैंने उनको पकड़ लिया, उन बच्चों को नहीं छोड़ सकता। बोलो करम सब दीन है गुरु
ने जार उतारा नौका दे। अब गुरु ने क्या किया, जितने भी कर्म मुझसे लगे थे, ये स्थूल कर्म, सूक्ष्म कर्म, कारण कर्म, कहते गुरु ने सब जला दिया। अब गुरु कहती है, गुरु ने हमको साफ कर दिया, पाप पुण्य एक भी नहीं रखा, अब अवतार से पार कर दिया। सहज दल कमल में पहुंचकर ईश्वर का दर्शन, त्रिगुण में पहुंच करके ब्रह्म का दर्शन, इसके कहते गुरु ने पार कर दिया, उतार दिया। अब ब्रह्म के स्थान पर कारण लोक है, उसको भी उन्होंने जला दिया, और उसके पार में कोई कोई शरीर नहीं और कोई कर्म नहीं, तो वह के पार उतार दिया। अब वो देख रही है, इसलिए इसी में नहीं चाहती क्या हमारा काम टीचर, तो तुम उसके पास जाओ जो थोड़ा काम करे, हम वो जो गुरु महाराज जी थोड़ा। सूरत को सद सुनाई घर, गगन चढ़ पहुंची घर। सूरत को सुनाई थी, ऊपर से धार आई शब्द की नाम थी, वो बुला रही है था, और जो पकड़ा और ऊपर चढ़ गई, बहुत बड़ा प्रयागराज है, यानी संसार का कुछ नहीं, ऐसे अरबों संसार बना करके और खड़े कर दिए जाए तो उस प्रयाग के सामने कुछ नहीं, वो प्रयागराज वहां उसको स्नान कर रहा है, स्नान करेगी कुछ डार आ रही है सत्यु उसको सुनेगी, जिसको छोड़ देगी उसको पकड़ देगी, पर चढ़ाई होती है। मेरा प्रयाग दर्शन स्नान किए हुए उधर से नहीं जाएंगे, यहाँ तो जैसे भोपाल उतनी मात्र में स्नान करना और वहां प्रयाग में स्नान करना, मालिक का दीदार दर्शन करने के लिए प्रयाग में दर्शन स्नान करना, वहां से आवाजें सब जगह की सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है। तो सूरज को जो बताया कि देख ये आवाज पकड़ ले, पकड़ ली और चल गई आवाज, वो ले गई फिर सतलोक में दाखिल कर दिया। अब मैं देख लें अपने घर में जहां पे आई थी भेजी गई थी वही पहुंच गई, तो कहते गुरु ने सब कर्म जला दिया, जो खाते में लिखा था फाड़ दिया, फाड़ दिया उसको, तब तो रिहाई होगी नहीं, ऐसे कैसे हो सकती है, अगर फाड़ेगा नहीं तो वहां तलाशी होगी तो दम लिखा हुआ, तलाशी होगी कहेंगे मर गए जान ही नहीं देगा, और जब फाड़ देंगे उसमें कुछ नहीं मिलेगा तो कहेगा तुम्हारे पास कुछ नहीं जाओ बच्चे चलो। और गुरु समर्थ तो ऊपर से आते हैं, वो तो सर्व समर्थ है, कुछ भी कर सकते, इसलिए आप को तो पता नहीं है, और आप कभी ना सुना ना सुनते हो और ना समझते हो, समझाएगा समझे भागे पड़े हुए हो, काल भगा रहा ये भी डंडा मार रहा था, जरा भी सुनने नहीं देगा नहीं सुलझ जाएगा, निकल जाएगा हाथ से, एक तुरंत निकल गई तो उनको कितनी तकलीफ, कोई ना जाते स्वर्ग ले लो, वैकुंठ ले लो, ये ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, ले लो, रोजी लेकिन बार बार पार बच जाओ, ये कैसे आप में तो लोभ है ही, लालच आप में है ही, सब चीजें चाहते हो आप, तो बन जाओ, जब फंस गए तो उसका काम करोगे, जिसका लिया है तो फिर उसको देना, और गुरु उसको साफ कर देंगे और खाका पालने में कुछ नहीं रहेगा, तब पार उतार, तब पार उतरेगी तुरंत, ऐसे नहीं जा सकते। और तुरंत कहती है गुरु ने मेरे कर्मों को जला दिया, वो तो पक्का मोर मार रही, यही मृत्युओं में कि गुरु ने मेरे पापों को बिल्कुल जला दिया, धो डाला, खाता निकाल लिया और पार उतार, बगैर जले हुए सफाई के बगैर पार को उतर भी नहीं सकता, अब ऐसे को मानेगी कि उनको अंधेरे वालों को मानेगी।
बोलो। पिंड को छोड़ा चढ़ी मुनार। अब कहते हैं शरीर को छोड़ दिया, नाम को पकड़ी और पकड़ करके सैद दल का वालों पहुंची, ईद उल चाँद पूरा छोड़ दिया, ये खाता छूट गया, चढ़ गई ऊपर। कभी तो चढ़ाई करेगी, अभी अति में जगड़ी रहेगी, तो जड़ चेतन की ग्रंथ पड़ गई, ये जड़ भी जीवात्मा फंस गई और गांठ लगे नहीं खोल सकती जब तक आत्मा न मिल जाए। और जब नाम को पकड़ के चढ़ी ऊपर को तो गांठ खुल गई, निकल गई, पिंड को छोड़ दिया। एक दफे शरीर को छोड़ दे तो मृत्यु हो गई, पर उसको कोई भय नहीं, कोई किसी तरह का डर नहीं, कुछ नहीं, पिंड को छोड़ दिया। एक दफे जब अभ्यास करते हैं तो साधक छोड़ देते हैं शरीर को, अलग हो जाते हैं और अपना ही ऊपर जो शरीर देखते हैं कि ये पड़ा, अपना ही शरीर देखते हैं कि ये पड़ा हुआ, और चले जाते देखते रहते हैं वहां से फौरन उसी पर आ जाए वो घोतला। तो जब तक पूरा समय तब तक लौट के आ जाएंगे, और जब पूरा हो जाएगा फिर चले जाए, फिर लौट के नहीं आएंगे, तो चले गए। इसलिए उसकी रखवाली होती रहती है और देखते रहते हैं, चले जाते हैं, फिर वो वक्त से टूट जाता है, इसलिए जो लगाव है जितना भी वो सब कुछ जो समझता है कि मैं तो मर गया, मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं। बोलो नाम की सुनी जाए धधकार, बांसुरी सुनी नई जनकार। अब स्नान किया उसने प्रयाग में, सूरत लाए जो चढ़े आकाशा, पदम प्रयाग अगमपुर भाषा, यानी प्रयाग यहाँ नहीं है कि मृतों के संसार में कहीं हो, वो तो कहते हैं कि अगमपुर भाषा, और सूरत लाए जो चढ़े आकाशा, जब इस सूरत को वहां ले जाए और चढ़ करके शब्द द्वारा और वहां जाकर के तब स्नान करें, तब प्रयाग स्नान हो जाए। यह नहीं है चल गया सूरत और निरत लगाया तार, गई अब चौथे पद के पार। सूरत ने सूरत की दृष्टि उसने जब तार लगाया तो देखा चला तो है, वो आवरण तो है नहीं धुआं की तरह कि कोहरा है दिखाई नहीं देगा, फिर फक फक उजाला। अगर कोई साफ यहाँ तो गंदगी मिट्टी की पाती मार सकता, यदि सतलोक से परे उधर कराई देता, इस बार से उस बार तक का पूरे सतलोक का और पूरा मतलब दिखाई देता, ऐसी दूरबीन ऐसी दूर की बनती है। और एक लोचन बहु लोचना, वहाँ एक लोचन यहाँ और वहाँ बहुत से लोचन, चारों तरफ देखता चल पूरा ज्ञान पूरा हो गया। कहते गुरु ने ऐसी कृपा की कि उसने आग दी, हम इसी पा रहे अभी और उस बार को देख रहे हैं। नीलापत गुरु स्वामी का दीदार, कहते वहां गए सूरज जो है वो शब्द जो है स्वामी है, सीता जो है सूरज है, राधा जो है सूरज है, और शब्द है स्वामी। कहते इस पार से उस पार गई और स्वामी का दर्शन किया, उसी को मतलब यह है कि जो चौथे पर से पार गई उसी को आराम कर आराम, उसे नाम का पहले भी था अभी बैठी। और ये तो मतलब यह है कि जरा सी उसने विस्तार किया, ऐसे नवाल कितने बना सकते, अनंत त्रिलोक क्या है एक ही आवाज से बना दी, और अभी नवाल कितनी बना दी, तो सर्व सामर्थ्य वहां गई हो दीदा। यार कहते हैं दर्शन साक्षात का सामने समझिए, सामने तो कितना लिपट के रोएगी,
कितने दिन हो गए वहां क्या है, जब उससे मिलेगी तो कितना रोएगी, और मालिक जो है वो सब कितना प्यार करेगी। और उसी में डूब गई, उसी में डूब गई, बस वही रूप हो गई, उसमें अब कोई भेदभाव नहीं, जो हुआ है वो है, वो एक ही है। सागर में ये बूंद उसी में जाके तय हो गई, उसी में डूब गई, बस सागर में ये बूंद नदी नाले घरे की लोटे की बूंद समुद्र में डाल दो तो वहां कोई कहेगा लोटा, और कहेगा समुद्र में। ये सूरत वहां से उस सागर से आई, अथा सागर रखे और उसमें जाकर के एक तो गुरु ने यहाँ थे उसको दिखा के बता के समझा के निकाल करके वहां पहुंचाया, तो उनको मारे की ये आगे से देख रही है, तुम मतलब ये सुना रहे हो, तुम नहीं रही ना देख रही, तुमको क्या माने बोलो। करू अपनी सदिन उन दरबार, करू अपनी सदिन उन दरबार। अगर भाई मैं बस उनके दरबार में अब आज दर्शन करते और उनके चरण अब सदा के लिए वहां से तुर्थी आई आप उन्हें जाने के लिए। अब पहले सोचिए इस बुद्धि से जो काम नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि से परे स्थान के परे रूप के परे धाम के परे, अब आप इस बुद्धि से सोचते तो फिर कैसे आएगा। वहां से तुरंत आई और ये सब भेद बता करके ले गई और वहां पहुंचा दिया, आप उनको कैसे पहचान करें। यहां सारे दास वर्ष बहुत पाए, स्त्रियों में भी आए पुरुषों भी आए, आप जिन्होंने पहुंचा पहचान लिया उनको पहुंचा दिया, बहुतों को पहुंचाए, बहुत पुरुषों को वहां से निकाल के यहां से निकाल के देखा, अभी निकाल रहे निकाल के लिए जा रहे, अभी तो सिलसिला बराबर जारी रहेगा, ये खत्म थोड़ी होने वाला। अब यह है कि इतने बड़े संसार में तुम तो पहुंच नहीं पाते, जो देने वाले उनसे कुछ ले नहीं पाते हो और देने वाले का कोई विश्वास नहीं रहता कि देगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भ्रम रहे हो ना भ्रमित बुद्धि ये विश्व बन नहीं पाते, जब भ्रम मिट जाए तो तुम मिल जाए। बोलो आरत सतगुरु की अब कराऊ छिन छिन सूरत साथ में। भाई अब तो हम सदा उनकी आरती करेंगे और हम हमारी सुधर सदा छिन छिन सत में रत होकर के जाएगी और आएगी। अब वो कहते हैं कबीरदास कि मालिक के धाम में छिन जाओ छा, छिन का मतलब इससे छोटा और कोई समझ नहीं, कोई समय नहीं छिन्न सबसे छोटे सब उसमें वह जाओ अपने देश में अपने के आओ भर जाओ भर के। हमें जो आना जाना रास्ता सीधा हो गया और फिर कोई रोक टोक नहीं है तो उसको कैसे पहचानेगा, पहचान करा देता है वो करा सकता है पहचान, जब वो देगा तो ये जीवों को दोस्तों को पहचान हो जाएगी। तभी तो गाना गाया, तभी तो उनकी महिमा की और उनके पास दौड़े, उन्होंने कहा जाओ जल्दी से देर मत करो, नौका जहाज लग गया वापस जाने का और तुम जल्दी से उसमें बैठ जाओ तो चले चलो, तो टेर लगाई भक्तों ने कि दौड़ो 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 नहीं झूठने वाला, जो उसमें बैठ गए वो पार जाएंगे बैठ गए उस पार, ये वैसा वो बोलेगा ये नश्वर सब नाश हुआ इधर नाश हो जाएगा रहेगा नहीं कुछ, स्वर्ग भी नहीं रहेगा बैकुंठ भी नहीं रहेगा, ब्रह्मा भी रहेगी विष्णु भी ऋतु भी नहीं रहेगी, आद्या मास तक ईश्वर भी नहीं रहेगा, ब्रह्म भी रहेगा पार ब्रह्म भी, ये सब नाश हो जाएगा। किधर समिट के जाएगा वो जिधर से विस्तार उधर जाएगा, क्या कुछ नहीं रहता, कोई ना मंदिर है ना कोई हिंदू है ना कोई आदमी ना कोई पशु
न कोई जल है न आसमान है न जमीन है साफ से टिंगा करके तुम इसमें होना चाहते पकड़ लिया कि नहीं अभी नहीं बताओ इतना समझाने के बाद पकड़े क्या वही क्या तुमने आराम समझा इसलिए बच्चे बच्चियों बहुत समझदारी से सत्संग सुनो जाकर इसलिए आए हो और कल नामदार होगा कल होगा नामदार आज इसलिए कि लोग रस्ते में आए थे कि हम पहुंच जाएंगे लेकिन किसी कारण रुक गए तो हमने आपके लिए आज कदर स्थगित कर दिया कल सुबह लेंगे एक दिन तुम सत्संग सुन लोगे और कल सुबह का सुनोगे फिर देंगे तो फिर सुनोगे आप और भंडारा है दस तब तक तो आप सही मतलब ये करते आप अच्छी तरह से सुन लोगे तो आप में मजबूती आ जाएगी फिर पकड़ने की इच्छा जाग जाएगी अभी तो कोई इच्छा नहीं फिर जबरदस्ती आपको खींच करके दिखाएगी चाचा कोई बात नहीं हम तुम्हारे साथ थे तो चलो चले चले और जबरदस्ती वो पकड़ाएगा इसमें तुम जाग जाओगे और यही कहोगे कि हमको बहुत बना के ले गए थे हम जा नहीं रहे थे और वहां हम गए तो हमको आपको अलग चीज तब ये कहोगे और फिर जब तुम्हारी जब इच्छा जाग जाएगी और आओगे जाओगे तो कहेंगे इसे कि हम किस तरह से इसको विनियोग करके कैसे कैसे इसको बता करके ले गए उनसे कहो मत जाओ तो नहीं मानेंगे आएगा और मन मन शरीर के अधिकारी तो हो जाएंगे बात हमने कहा हमारा क्या उनकी चीज है जब आदेश दे गए तो अपना क्या है अपना कुछ नहीं पहले जब कुछ नहीं था वो तो उन्होंने जो कुछ दिया उसका अपना कुछ तो आप कल सुबह ताड़े ताड़ और शाम को पौने चार बजे तो शाम को पूरा सत्संग हो जाएगा और सूरज प्रकाश रहेगा अच्छा रहेगा फिर आप अपने अपने देवों पर लौट जाओ लेकिन एक वक्त प्रयोजन करो तुम गन्ना रखा है सब जगह पहुंच जाएगा तो गन्ना ले लो खूब चूसो पहले नाश्ता अलग कर दो और चूसो पेट भर लो ये हमारी बात को मान लो समझ गए पेट भर के चूसो अच्छी तरह से फिर मतलब यह है कि भी इच्छाई खत्म हो जाएगी और वो नाश्ते वाली खुराक तुमको मिल जाएगी तो अंदर की जो बीमारियां है वो आपको मालूम फिर निकलेगी दिन को 2 बजे अगर भूख रहे तो खाना खाओ तुमने खाना तो 2 बजे बैठ करके फिर करना चूत रहना कोई हल्जा नहीं तुम इसको 9 दिन तक लगातार खाओ देखो तरह तरह की बीमारियां कितनी निकल भगेगी और कितनी बहुत कम हो जाएगी और लोगों ने अनुभव किया अब जब ये बीमारी जब निकलेगी तो मजा होगा अभी चिल्ला रहे अभी ये है और दया कर दी और कृपा कर दी बड़ी परेशानी बहुत तकलीफ है जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका गुरुदेव परम पूज्य स्वामी जी महाराज।